तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आ चुके हम एक और न्यू वीडियो के साथ, जो कि है इंडियन रेलवे सिमुलेटर गेम एंड्रॉइड, जो कि प्ले स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो उधर से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि ये गेम में आखिर क्या क्या अच्छाइयाँ है और क्या क्या अच्छा है कि ये बाकी गेम से काफ़ी अच्छा है, और इसमें क्या क्या गलती है और क्या क्या इसमें सुधार होने चाहिए और क्या क्या न्यू फीचर आने चाहिए डेवलपर द्वारा। और हाँ, और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा कि आप उसको देखने के बाद वीडियो को लाइक किए बिना रह ही नहीं पाओगे। तो लास्ट तक वीडियो के बने रहें और चलिए शुरू करते हैं। गाइस, मैं आपको इस गेम की पहली कमी बता देना चाहता हूँ, जो कि डेवलपर द्वारा ठीक हो जाए तो ये गेम काफ़ी बेहतर बन जाएगा। तो ये गेम में जैसे कि आपने देखा कि एक्सीलेटर फुल करने में अचानक से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई, तो डेवलपर से यह उम्मीद है कि इसको स्पीड करने के लिए कुछ टाइम ले, मतलब 5 से 10 सेकेंड का टाइम ले 0 से 100 की स्पीड जाने तक, यानी कि स्लो स्लो जाएंगे तो एकदम रियलिस्टिक फीलिंग आएगी। तो इसके लिए और ये देखिए गाइस, इधर पे लिखा क्या है आखिर, नहीं रुको देखो ये आखिर लिखा क्या है, सुपर फास्ट एक्सप्रेस। ये मेरे को ये गेम के ये ट्रेन में बहुत शानदार लगा, इसके लिए तो एक लाइक तो बनता है भाई। ओपी तरीके से इसका कोच बनाया गया है, और ये देखिए केबिन का, और इसमें ये कैमरे एंगल का ये गलती है कि इसमें अगर हम लोग लेफ़्ट फिंगर करेंगे तो राइट को जाएगा और राइट फिंगर करेंगे तो लेफ़्ट को जाएगा, तो डेवलपर से उम्मीद है। और ये भागता कैमरा बहुत है, कंट्रोल में आता ही नहीं। और आपने एक चीज़ नोटिस किया, स्पीडोमीटर जरा भी चल ही नहीं रहा है स्पीडोमीटर। और डेवलपर से ये उम्मीद है कि एक कैमरा एंगल बनाया जाए जो कि डोर के पास हो और एक गार्ड के पास हो, ये दो कैमरा एंगल प्लीज़ 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 डेवलपर जी डाल दीजिए कृपया ये गेम में। हाँ, ये बात मैं भी मानता हूँ कि ये गेम अभी नया है तो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये गेम में अगर ये चीज़ आ गया तो ये गेम पहले से भी ज़्यादा शानदार बन जाएगा। तो गाइस, अब मेरी बकचोदी हो जाती है बंद, और ये देखो थोड़ा वीडियो को एंजॉय करो, ट्रैक साउंड सुनो और जो कोच हिल रहा है उसको एंजॉय करो। आई होप गाइस आपने ट्रैक साउंड और कोच का हिलना दोनों चीज़ इंजॉय किया होगा। तो अब डेवलपर से मेरी ये उम्मीद है कि डेवलपर भले यहाँ पे कोई ट्रेन आती जाती ना रहे, लेकिन इधर पे डबल ट्रैक कर दीजिए और पेड़ पौधे थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दो। भाई तो अब चलते हैं,
जहाँ पे हम लोग सो के जाते हैं ना ज़मीन पे बैठ के, वो जगह आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये ज़मीन से कैसा व्यू है। तो गाइस वीडियो कट करने के लिए सॉरी, नहीं तो पूरा वीडियो दिखाते तकरीबन आपका बहुत टाइम वेस्ट होता। तो अब मैं दिखा देता हूँ ये गेम के सुंदर नज़ारे। तो इस जो वाइट दीवार के पास से जो नज़ारे हैं वो एकदम रियलिस्टिक के बराबर है। देखो आसपास हर एक घर आ गए, वो आ गए। अगर इसमें डबल ट्रैक प्लस ट्रेन बहुत सारी चलने लगे, वैसे भी थोड़ा टाइम लगेगा, होगा ऐसा, तो ये MSTS जो कि एक PC गेम है उसको भी टक्कर देने लायक हो जाएगी। बस डेवलपर से ये उम्मीद है कि डबल ट्रैक और ऑटोमेटिक ट्रेन सिस्टम भी चालू कर दे, और लोकल ट्रेन हो सके तो ठीक, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो गाइस एक सबसे बड़ा चीज़ देखिए, ये देखिए इस गेम की पटरियाँ एकदम रियलिस्टिक से भी ज़्यादा खतरनाक लग रही है। ये गेम की पटरियाँ एकदम लग रहा है कि हाँ सच्ची में कैमरा जो है वो पटरी में ही है, और एकदम ओरिजिनल देख तो सही भाई। आप लोग देख लो रियल की पटरी देख लो, और ये गेम की पटरी 100% में से 99% पटरी एकदम मैच कर रही है रियल वाली से। विश्वास ना हो तो नेट पे सर्च कर लो। ओ भाई साहब डेवलपर OP बोलते भाई साहब, ये गेम बहुत तरक्की करेगा भाई। इतना रियलिस्टिक इसमें चीज़ बनाया जा रहा है ना, और 15 डिब्बे वाला ट्रेन भी चालू हो चुका है। जो मैं ट्रेन चला रहा हूँ ये 15 कोच वाला है। भाई साहब डेवलपर आप मेहनत करते रहिए, गेम बहुत शानदार बनेगा। सो गाइस करीब 100-150 किलोमीटर की दूरी करने के बाद हम पहुँच चुके हैं अजमेर से व्यापार। ये बोले तो रियल डिस्टेंस वाला है इसे, तो एंजॉय करो। इंटर होने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक ख़तरनाक चीज़ दिखाऊंगा, जो कि अगर आप रेल फैन हो तो आपके लिए इससे बड़ा खुशखबरी और कुछ नहीं हो सकता। ज़रा आप स्टेशन के अनाउंसमेंट पर गौर कीजिए और मुझे कमेंट में बताएं कि ये अनाउंसमेंट इंडियन रेलवेज़ के कौन से स्टेशन में ज़्यादातर होता है। अगर आपको पता है तो उसको कमेंट करो, और अगर नहीं पता है तो इस गेम के जो डेवलपर है उनके लिए एक हार्ट तो बनता है गाइस, इतना OP गेम बनाने के लिए। तो गाइस ये अनाउंसमेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं मिलता हूँ आपको आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और डेवलपर प्लीज़ मेरी बातों पर गौर करके इस पे थोड़ा डेवलपमेंट किया जाए। वैसे तो आप लोग करोगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द ये चीज़ हो जाए तो ये गेम की ग्राफिक्स एकदम OP बन जाएगी रियलिस्टिक वाली।